सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कल क्या हुआ था, शाम के टाइम पे मैंने जो है अपने कबूतर बाहर निकाले थे, तो दो कबूतर हमारे उड़ गए थे जिसमें से एक कबूतर आ गया था एंड एक कबूतर हमारा नाइट रुका था। जो है अभी जस्ट ऊपर आ रहा हूँ और ये चेक करो भाई, यहाँ पे हमारे जाल के ऊपर आके हमारा ये कबूतर भी आराम से बैठा हुआ है और अपने सभी के सभी कबूतर इस टाइम पे जाल के अंदर ही हैं। और गाइस कल क्या हुआ था कि अपने कबूतरों को शाम के टाइम पे मैंने बाहर निकाला, कबूतरों ने दाना पानी किया, उसके बाद दो कबूतर मस्ती में धीमे धीमे ऊपर चले गए। तो मुझे लगा कि भाई थोड़े टाइम में ये लोग आ जाएंगे, बट बिल्कुल अंधेरा हो गया। अंधेरे में एक कबूतर हमारा आके बैठ गया, लेकिन इसका कोई भी अता पता नहीं था। हम लोगों ने थोड़ा इसका वेट भी किया, बट ये कबूतर हम लोग को नहीं दिखा क्योंकि भाई बिल्कुल हो चुका था अंधेरा। बट गाइस अभी जैसे ही मैं आके देख रहा हूँ, ये कबूतर आके बैठा हुआ है। सबसे पहले जो है हम लोग इसको पानी रखते हैं, उसके बाद अपने कुछ और कबूतर भी उड़ाना है, तो मेरे हिसाब से साथ साथ में ये भी उड़ जाएगा। ये जो है यहाँ पे, क्योंकि कल जो है ये कबूतर ने दाना पानी तो अच्छे से किया ही था, उसके बाद उड़ा था, तो मेरे हिसाब से ये जो है सुबह सुबह ही आके अपने जाल के ऊपर बैठ गया होगा। इसने जो है रेस्ट भी कर लिया होगा, इसको प्यास व्यास लगा होगा तो थोड़ा सा पानी वानी पी लेगा, उसके बाद दोबारा से ये कबूतर उड़ेगा और इसके साथ में और भी कुछ कबूतर उड़ेंगे। क्योंकि दो तीन दिन से जो है मैं 4-5 कबूतर डेली उड़ा रहा हूँ, जिससे कि वो 4-5 कबूतर जो है थोड़े से सेट हो जाए उड़ने में। उसके बाद मैं आप लोग को प्रॉपर उड़ान की वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। इतने टाइम से जो है मैं अपने कबूतरों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका रीज़न आप सभी लोग को तो पता ही है भाई, एक तो मौसम ख़राब, ऊपर से हम लोगों ने सेटअप चेंज किया था, बहुत सारे कबूतरों का पर ख़राब। अब जो है सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, हमारा सेटअप भी पूरा हो चुका है कंप्लीट, हम लोगों ने अपने कबूतरों को नहान भी दिया था, कबूतर जो है साफ सुथरे भी हो चुके हैं। बीच बीच में अब इन लोगों को टाइम टू टाइम नहान भी मिलते रहेगा, तो कंडीशन और भी ज़्यादा सही हो जाएगा। एंड जितने भी कबूतर फिलहाल में उड़ रहे हैं वो सभी के सभी हमारे घर के पट्टे ही हैं, तो एक बार ये लोग सेट हो जाए उसके बाद मैं इनका प्रॉपर उड़ान की वीडियो भी बनाऊंगा एंड आप लोगों को कबूतरों की उड़ान भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो कबूतर को अभी फिलहाल में मैं उड़ा रहा हूँ, जो पट्टे हैं उन लोग को अभी फिलहाल में नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये कबूतर नाइट रुक के आया हुआ है और मैं उन लोग को जैसे ही निकालूंगा वो लोग निकलते ही उड़ना स्टार्ट कर देंगे और उनके पीछे पीछे ये कबूतर भी उड़ जाएगा। इसीलिए अभी थोड़ा टाइम मैं वेट करता हूँ, ये कबूतर एक बार पानी वानी पी ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद अपने कबूतरों को निकाला जाएगा। तो गाइस अभी जो है आप लोग चेक करो, जैसे ही मैंने कबूतर निकाला वैसे ही सबके सब उड़ना स्टार्ट हो गए। अभी फिलहाल में मैंने 7 कबूतर निकाला हुआ है, जिसके अंदर से 1, 2, 3, 4, 5 कबूतर ऊपर उड़ चुके हैं और 2 कबूतर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें से एक ये बाजरा पट्टा है और दूसरा ये हमारा कासनी कबूतर है। ठीक है, तो चलो इन लोग को भी उड़ा देते हैं। ये गए भाई ये कबूतर भी अपने, ठीक है ये चेक करो। और गाइस ये वाला जो बाजरा पट्टा है ये अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है, और एक हमारे साजापुरी कबूतर का बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, बट वो जो है मेरे हिसाब से ऊपर चला गया होगा। ओरा वो देखो ऊपर उड़ रहा है वो, ये अभी धीमे धीमे जो है ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों कबूतर जो है हमारे बैठे हुए थे ये लोग को मैंने अभी जस्ट उड़ाया है। एंड जो कबूतर हमारे 5 ऊपर चले गए हैं उनको मैं एक एक करके निकाल के छोड़ रहा था, वो खुद के खुद जो है उड़ना वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सो गाइस ये चेक करो भाई, ऊपर हमारे 5 कबूतर चल रहे हैं एक साथ में यहाँ पे, ये देखो, और 2 कबूतर हमारे नीचे चल रहे हैं। तो गाइस ये फिलहाल में भाई अभी चल रहा है ट्रेनिंग, मतलब अभी कबूतर अपने सेट नहीं हुए हैं, अभी 2-3 दिन, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी 2-3 दिन हुआ है इन लोगों को मैं डेली सुबह में उड़ा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा इन लोगों को रूटीन पे लाएंगे, डेली उड़ाने का आदत लगाएंगे, उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा एंड आप लोगों को शौक कराऊंगा कि अपने कबूतर कैसे उड़ रहे हैं। 5 कबूतर है वो एक साथ एकदम ऊपर चढ़ चुके हैं एक साथ, और उनमें से एक कबूतर हमारा नाइट भी रुका हुआ था। ठीक है, ये कासनी भी जो है धीमे धीमे ऊपर जा रहा है और ये तो गाइस बहुत ही छोटा बच्चा है, ये नीचे 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 उड़ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको उड़ान नहीं दिखाना चाह रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना था कि भाई अभी हम लोग अपने कबूतरों को उड़ाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो
अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट शाम के टाइम पे। अभी जो है शाम का टाइम है एंड अपने सभी के सभी कबूतर यहाँ पे खुले हुए हैं और यहाँ पे जो है सतीश भी आया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने धूप जाल के अंदर एक यहाँ पे एक पतला सा पेटी रखा हुआ था जो कि अभी फिलहाल में यहाँ पे रखा हुआ है एंड इसको मैंने बोला था लॉफ्ट बनाने को, तो ये भाई अभी तक लॉफ्ट बना नहीं पाया। आओ भाई तब तक तुम लोग खा लो। आओ क्यों नहीं बना पाया पहले तो तू ये बता। नहीं बनाया हूँ भाई, बारिश का टाइम है, मैं पेटी में रखना ज़्यादा अच्छा। भाई पूरा मैं चेंज कर दिया, मेरा चार माले पे है, पूरा डायरेक्ट बारिश लगता है और तू नहीं कर पाया ये बता। पेटी सही रहता है। सो गाइस अब इसका जो भी रीज़न हो भाई, तो मैंने इसको बोला तेरा पेटी भी खराब हो चुका है, अगर तेरे को जरूरत हो तो ये पेटी लेके जा, वैसे भी मेरे ये कोई काम का नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं ये पेटी लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन भाई गेट नहीं है उसमें। चल ठीक है, तो लो भाई तुम लोग आराम से खाते रहो यहाँ पे। भाई तू पानी रख दे तब तक, चल आ जाओ। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले नीचे और इसको पेटी भी दे देते हैं भाई। ये देखो ये है पेटी, छह खाने की पेटी है, बट इसके अंदर गेट लगाना है। जो गाइस इसके अंदर हम लोगों ने गेट लगाया था ना वो स्लाइड वाला था और इसको उस टाइप का गेट लगाना नहीं है। किस टाइप का गेट लगाएगा, बंद करने वाला? मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट बंद करने वाला। देख लेना जिस हिसाब का हम लोग ने इसमें स्लाइड वाला गेट लगाया था, बट हम लोग को गाइस पेटी बनाने में लकड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसका यूज़ भी कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे जो पट्टी लगा हुआ था बीच में वो भी हम लोगों ने निकाल के यूज़ कर लिया था। ठीक है तो गेट तो लगा लेगा ना। चल सही है, छः खाने की पेटी है। कितने कबूतर है इस टाइम पे? हो जाएंगे टोटल छः खाने का, सब आ जाएगा छः खाने की। और पुरानी वाली पेटी खराब हो गया है? हाँ उसको तोड़ दूंगा। और क्या पूरा खराब हो गया है कि काम चलाऊ है? काम चलाऊ है। तो जो कबूतर बीमार उमार हो या फिर एक्स्ट्रा के लिए रख देना, अलग से डाल देना, साइड से पड़े रहने देना। और इसमें अच्छे अच्छे जोड़े रखेंगे जो भी तेरे मेन मेन कबूतर, इसमें रख देना। हाँ। क्योंकि पेटी सही है, मजबूत है पूरी पेटी, बस गेट लगाने का बाकी है। हाँ। लकड़ा लाके गेट लगा लेना। ठीक है बस वही लेके आएंगे बस। तो गाइस अभी जो है ये बोल रहा है कि ये पेटी को बीच में से काट देते हैं, जिससे कि क्या करेगा भाई तू ही बता दे। तो इसको काट देंगे ना भाई। हाँ। तो इसके ऊपर एक थोड़ा चौड़े में हो जाएगा, लंबाई में मजा नहीं आएगा, चौड़ाई में रहेगा सिलेगा। इसके कहने का ये है कि अभी जो है ये पेटी लंबी सी, उतना कुछ इसको खास नहीं लग रहा, तो ये बोल रहा है कि इसको बीच में से काट देते हैं और ये जो है साइड साइड में रख के इसको जोड़ देगा, है ना। हाँ। तीन खाना इस साइड और तीन खाना इस साइड। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मैंने निकाल दिया। साइड में नहीं भाई, मतलब इससे कर देंगे तो ऐसे। वही बोल रहा है। तो ठीक है भाई कट करते हैं जल्दी से। निकाल इसको देख, निकलता है कि नहीं भाई, एक बार देख लेते हैं कैसा लगेगा। बस कुछ इस टाइप से, लेकिन यहाँ नीचे लकड़ा नीचे मारना पड़ेगा, मारना मारे। हाँ। नहीं तो एक खाने कम हो जाएंगे तेरे। तो लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर तो दोनों को जोड़ेगा या फिर अलग अलग ही रखेगा? ऐसे जोड़ कर देंगे ना भाई, ऐसे भी रख सकता है, क्या दिक्कत है? ऐसे भी रख सकता है, पर जोड़ जाएगा और अच्छा रहेगा, बराबर जॉइन रहेगा। नीचे लकड़ी मार दूंगा, पीछे हॉल है ना, हॉल दूंगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, जाली वाली लगा देना। तो अच्छा दिख रहा है हॉल है। दरवाजा कैसे लगाने का सोच रहा है भाई? दोनों साइड का सोच रहा हूँ, जैसे तुम्हारा है। अच्छा उस टाइप से सोच रहा है। कब तक रेडी कर लोगे भैया तुम? अब आज लेके जा रहा हूँ, कल तक लगाऊंगा इसको। और चल ठीक है भाई। सो भाई अभी जो है हम लोगों ने ये पेटी को कट कर दिया बीच में से, क्योंकि ये बोल रहा था कि भाई इसका लंबाई ज़्यादा हो गया है, अगर हम लोग इसको कट कर देंगे तो कुछ इस टाइप से दो दरवाज़ा लगा सकते हैं, एक दरवाज़ा इस साइड खुल जाएगा और एक इस साइड में। तो चलो फिलहाल में ये भी ठीक है। तो चल भाई रेडी कर लेना, फिर बताना मेरे को। ठीक है।